हाँ जी, सत श्री अकाल जी दोस्तों, आप सब का स्वागत किया जाता है थोड़े अपने यूट्यूब चैनल पंजाबी क्लास स्टडी में, जिससे तुम्हें पता ही है थोड़ी हर बार की तरह अज भी थोड़े ना शेयर कर लगे क्लास सेमी के लिए फिजिकल एजुकेशन यानी कि शरीरिक सेहत और शरीरिक सिक्ख्या का पेपर। ठीक है स्टूडेंट्स, जो तुम्हें पेपर मिल लगे वेरी वेरी इंपोर्टेंट पेपर थोड़े लिए होने वाला, तो यह पेपर जो फुल सल्यूशन मिलेगा, सल्यूशन के नाल मिलेगा यानी कि थोड़े जिन्हें भी क्वेश्चन है सारे आप हल देवेंगे अभी इस वीडियो में। तो वीडियो अंत तक जरूर देखना, और जो विद्यार्थी साढ़े चैनल पर पहली बार आ रहे हैं चैनल में सबसक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सब तो पहला तो अपने चैनल के पेपर मिल रहा, तो होर कितने पेपर नहीं मिलता, तो चैनल में जरूर सबसक्राइब कर रखा, क्योंकि सबसक्राइब करने में तुहाडे फायदा आपां तुहानू एक तरह की डिजिटल एजुकेशन देने आएंगे। ठीक है जी, जेकर तुसीं अजे तक कोई अपना बुक नहीं पढ़ी ना कोई अजे तक तुसीं अपना कोई चैप्टर तैयार किया, तो यह पेपर है जो वेरी वेरी इंपोर्टेंट होने वाला, और विद्यार्थी कह रहे होंगे ने कि रियल होंगे ने जरा पेपर फेक, तो तुहानू दसदे रियल पेपर कोई नहीं होंगे जिन्ना फेक होंगे, सारे अपने जो पेपर पाने के इंपोर्टेंट होंगे गए। ठीक है जी, जो तुहाडे टीचर पाते हैं टीचर भी इंपोर्टेंट पाते हैं, तो कई विद्यार्थी ने कमेंट आते हैं कि सानू पेपर यही आ गया, तो उन्होंने बहुत वधिया हो जाता है, तो साडा कोशिश होंगी कि तुहाडे नाल आपां वेरी वेरी इंपोर्टेंट पेपर शेयर करिए, क्योंकि तुहाडे पेपर की आप रिविजन करवाईए। कई विद्यार्थी होंगे ने कि उन्होंने रिविजन कहीं नहीं की होंगी, तो उन्होंने लिए आप वीडियो तैयार कर देंगे। ठीक है जी, वीडियो तुहाडे लिए वेरी वेरी हैल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। यह क्लास सेमी के लिए सेहत अते शरीरिक सिक्ख्या यानी कि फिजिकल एजुकेशन मार्च 2023 परीक्षावां के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट पेपर। सब तो पहला तुहानू जिवें कि भाग उड़ा आ गया, भाग उड़े में 15 क्वेश्चन आने जे कि 91 मार्क्स के होंगे, जिवें कि आप शुरू तो आप स्टार्टिंग तो कर लेने, तो तुमने वीडियो में जमा भी स्किप भी नहीं करना, क्योंकि बाद चो तुम कहने होंगे भी सानू आंसर का कुछ पता ही नहीं लगे क्वेश्चन का आंसर, तो उस तो बैटर है कि तुम वीडियो अंत तक जरूर देखना, तो अपने दोस्तों में तक इस वीडियो में जरूर शेयर कर दो, क्योंकि कई विद्यार्थी होंगे ने कि उन्होंने तक यह वीडियो नहीं पहुँच सकती, तो जेकर तुम उन्होंने तक शेयर करोगे अपने दोस्तों तो होर तक भी वीडियो पहुँच जाएगी, तो उन्होंने भी फायदा हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि यह वीडियो 10 मिनट या 20 मिनट की बन सकती है, तो तुहाडा ही फायदा जेकर 10-20 मिनट भी तुम कट के जाओगे, 10-20 मिनट बहुत घट ने गए। ठीक है जी, तुहाडे लिए जी कि हैल्पफुल होने वाली है, तुहाडे पूरे जो पूरे नंबर आ सकते हैं जेकर तुम यह वीडियो देखोगे, क्योंकि आप पूरी फुल तैयारी करवाएंगे तुहाडी अज्ज दी इस वीडियो में। जिवें कि सब तो पहला क्वेश्चन है, सेहत दीआं किस्मां दसो, सेहत तुहानू पता ही है सेहत की हुंदी है, कि सेहत भी तुहानू पता है, सेहत दीआं किन्नीआं किस्मां ने उह दसणीआं ने, सेहत दीआं किन्नीआं किस्मां ने गीआं, इस विच सिर्फ आपां दसांगे वी ने किन्नीआं किस्मां ने, जाणी कि उसदीआं हैगीआं ने 2 किस्मां हन। ठीक है, 2 किस्मां ने गीआं सेहत दीआं। ठीक है जी, हाँ ठीक है जी, तो यह हैगा तुहाडा 1 नंबर का, तो 1 नंबर जी आप इन्ना क्यों लिखे होंगे तो भी अपना सही वगजू, जे आपां नूं दसणा वी ने किहड़ीआं 2 किस्मां ने, वो हैगीआं ने तुहाडी एक चंगी सेहत हुंदी हैगी, ठीक है जी, चंगी अते बुरी। ठीक है जी, चंगी अते बुरी ये तुहाडियां सेहत हुंदियां नेगियां 2 चंगी अते बुरी, ये नोट कर दो नाल दे नोट करी जाओ अपनी नोटबुक ते। ठीक है जी, तो तुहानू दस दी ये तुहाडी पेपर दे रिवीजन दे लई पेपर हैगा, इंपोर्टेंट पेपर आ। ठीक है जी, तो इस तों बाद सैकेंड क्वेश्चन हैगा, विद्यार्थियों नूं किस तरह का भोजन खाना चाहिए है, विद्यार्थियों नूं किस तरह का भोजन खाना चाहिए, जिहड़े विद्यार्थी की उम्र हुंदी जाने कि छोटी हुंदी हैगी अडल्ट एज हुंदी हैगी, तो उदों जिहड़ा भोजन खाते हैं तो उन्होंने भोजन लगता, तो उन्होंने हैल्पफुल आ गया उन्हों की फ्यूचर के लिए, जाने कि विद्यार्थियों नूं अपना भोजन खाना चाहिए पौष्टिक, यानी कि ठीक है जी पौष्टिक तुहानू दस देना। ठीक है जी, पौष्टिक खाना खाना चाहिए, क्योंकि पौष्टिक खाना उन्होंने लिए बहुत ही हैल्पफुल है। ठीक है जी, दूजे का क्वेश्चन है, ये आंसर नोट कर दो। इस तो बाद तीजा क्वेश्चन है, कौमी गान किसने लिखा सी, कौमी गान तुहानू पता है राष्ट्रीय गीत यानी कि जो प्रेयर वेले कर देंगे जन गण मन। ठीक है जी, ये किसने लिखा सीगा, जिन्हें जिन्होंने पता नीचे कमेंट बॉक्स भी जरूर दस देना, आप उन्होंने कमेंट जो पेन कर देंगे तो लाइक कर देंगे। ठीक है जी, सानू पता लगेगा भी तुहानू हैगी है कि नॉलेज नहीं हैगी, तो इसका आंसर तुहानू दस देना, इसका आंसर होगा तुहाडा कौमी गान से जो लिखा सीगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है जी, इसका आप स्पैलिंग दस देना तुहानू जी हिंदी पंजाबी लिखना तुसीं ने। ठीक है जी, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है जी, ये जो रविंद्रनाथ टैगोर से राइटर से बहुत बड़े महान राइटर, इन्होंने काफ़ी सारिया बुक कवितावान बथेरिया लिखिया सी, इन्होंने जो राष्ट्रीय गीत भी इन्होंने लिखा सी, तो इसका है तीजे का आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है जी, टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर इसका आंसर आ। इस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन है, जाने की प्रश्न नंबर 4 पुगण के किन्ने तरीके हैं, पुगण के तुमने तरीके दसने ने पुगना। ठीक है जी, पुगण के है तुहाडे तरीके है 3, पुगण के तरीके है 3, अते किहड़े किहड़े ने, जदों तुसीं पुग दिओगे तां इक दा वारी तां तुहाडा हथ जिहड़ा हुंदा गा उह हथ उतला पासा हुंदा गा। ठीक है जी, तां उह पहला तरीका होगा, दूजा तरीका होगा जदों तुसीं हवा विच असल दिओगे तुसीं अपना हथ, तीजा तरीका हो गया जदों आपां 2 बार कढ़ने हुंदे ने 3 विचों, ते इक जिहड़ा इक दा जिहड़ा हथ जिहड़ा दोनों नाल नहीं मैच करदा हुंदा अड हुंदा, तां उसनूं बाहर कढ़िया जांदा, तां इस नाल इह जिहड़े 3 तरीके हो गए पुगण दे। ठीक है जी, पुग दा कट्टा किहड़ा, जिहनूं तुसीं उही पुगण पुगण उसनूं कहिंदे ने। ठीक है जी, 5वां क्वेश्चन आ गया, 15 अगस्त नूं लाल किले ते डैश झंडा लहराउंदा है, 15 अगस्त नूं लाल किले ते डैश झंडा लहराउंदा है, इसका आऊगा तुहाडा कौमी झंडा। ठीक है जी, कौमी
ਇਸ ਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 15 ਅਗਸਤ ਵੇਲੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਛੇ, ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨੇਗੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ, ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰੰਗ ਹਨ? ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਰੰਗ ਨੇਗੇ, ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਰੰਗ, 3 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨੇਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ, ਨਾਲ ਦੇ ਨੋਟ ਕਰੀਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 7 ਪੁੱਗਣ ਦੇ ਡੈਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਪੁੱਗਣ ਦੇ ਡੈਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪੁੱਗਣ ਦੇ 3 ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੁੱਗਣ ਦੇ 3 ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 8ਵਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਕੂੜਾ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੂੜਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਡਸਟਬਿਨ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਦਾ ਆਂਸਰ ਆਜੂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 9, ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ, ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਗਲਤ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਗਲਤ 'ਤੇ ਟਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 10, ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਜੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਕਰ ਪੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਜੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਕਰੀ ਪੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 11, ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕੀ ਹਾਕੀ ਖੇਡਦੇ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਲੀਜੈਂਡ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਕੀ ਖੇਡ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 12, ਬਾਂਦਰ ਕਿੱਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਖੇਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਂਦਰ ਕਿੱਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਖੇਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸਦਾ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 13, ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੈਸ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ, ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਚੰਦ ਦਾ ਜਨਮ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ 29 ਅਗਸਤ 1905 ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, 29 ਅਗਸਤ 1905 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 14, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਫਾਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਣ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੀ ਨੇਗੇ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਾਰੇ ਆ ਗਿਆ ਆਂਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 15, ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰੰਗ ਹਨ? ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 3 ਰੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਦੇ 3 ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਦੇ 3 ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਦੇਗੇ ਆਪਾਂ ਭਾਗ ਆੜੇ ਵੱਲ। ਭਾਗ ਆੜੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਗੇ 5 ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, 5 ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 2-2 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 10 ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਸੋਲਵ ਕਰਾਉਣੇ ਹੈਗੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਲਿਖਣੇ ਨੇਗੇ? ਜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸੱਟ ਲਿਖਦੀ ਹੈਗੀ? ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਫਿਸਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੈਰ ਫਿਸਲਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਭੱਜ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਨੇਗੇ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਡੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਸਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਲੇ ਦਾ ਸੜਕਾ ਆਪਾਂ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਸਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 17, ਬਾਂਦਰ ਕਿੱਲਾ ਖੇਡ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ। ਬਾਂਦਰ ਕਿੱਲਾ ਖੇਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਗ ਬਦਾਪ ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਖੜਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣਾ ਚੱਪਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣ 'ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਚੱਪਲਾਂ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਚੱਕਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਲਾ ਪਲੇਅਰ ਆ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਸ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਵਾਰੀ ਆਜੂ। ਜੇਕਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਚੱਪਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਜਾ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ ਚੱਪਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਉਸਦੇ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਕਿੱਲਾ ਖੇਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਂਦਰ ਕਿੱਲਾ ਖੇਡ ਕਿਸ ਨੇ ਖੇਡੀ ਹੈਗੀ, ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 18, ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੁੱਤ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੁੱਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਝਾਂਸੀ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਝਾਂਸੀ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਝਾਂਸੀ ਦਾ ਇਸਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 19, ਸਿਹਤ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਸਮਾਂ ਲਿਖੋ। ਸਿਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਿਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਸਿਹਤ। ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਚੰਗੀ 'ਚ ਆਜੂਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਫਿੱਟ ਹੈਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੜਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 20ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?
नीचे नहीं सट्टना। नीचे सट्टन तो बजाय तुसीं अपना उसनू डस्टबिन रख देना, अते जेकर तुहानू कोई दिखदा गा कुछ नीचे पिया रैपर उसनू चकना गा, ते जे तुसीं जेकर किसी नोट कर दोगे भी ना कुछ किसने सट्टिया तां उसनू अपन सुचेत करना चाहिए भी ना, तुहानू सट्टना नहीं चाहिए। अते इस तरह तुहाडा स्कूल की सफाई इस तरह हो सकती है, ठीक है जी। तुहानू भी नहीं स्कूल में कोई गंदगी नहीं फैलानी चाहिए क्योंकि तुहानू अपना स्कूल तुहानू साफ रखना चाहिए, ठीक है। इस तरह इस अपना आंसर आ जूगा बिना स्कूल की सफाई किस तरह रखी जा सकती है। इस तुम तो बाद जे दो नंबर वाले प्रश्न चल गए, तो इस तुम तो है भाग ईडी है जाने कि तुम्हें पांच नंबर के क्वेश्चन ने गए। सॉरी एक बार देख लेंगे, हाँ जी पांच नंबर के क्वेश्चन ने गए, ठीक है जी। तीन क्वेश्चन होने ये है तो 15 मार्क्स के, ये तुमने चार पाँच लाइन में लिख लेने तो मार्क्स मिलने। इस तुम बाद प्रश्न नंबर 21 सिगरट पीन कि रोग हो जाता है। सिगरट तो पता है नशा वगैरह, ठीक है जी। सिगरट पीन तंबाकू पीन जिहड़ा कैंसर का रोग और फेफड़िया का फेफड़े गल जाते हैं, और जो धुआं जाता अंदर तो अंदर सारा फेफड़े वगैरह गुरदे वगैरह सारे खराब हो जाते हैं। इस नाल जो सिगरट पीन रोग लगते हैं, ज़्यादातर सिगरट पीन जे गुरदे सॉरी जो फेफड़े वगैरह फेफड़िया कालस जम जाती है, उस नाल जो फेफड़े खराब हो जाते हैं गल जाते हैं, जो इस नाल सिगरट पीन जो अपना कैंसर वगैरह बीमारी लग जाती है। इस तरह इन्हां दे ये मेन होंगे ने रोग, ठीक है जी। इस तरह इसका आंसर बना के लिख देना गा, ठीक है। तुहाडा पांच नंबर हो जाएगा यह, ठीक है जी। इस तुम देखा तो 22वां क्वेश्चन भोजन खाने समय किहड़ियां गल्लां दा ध्यान रखना चाहिए है, ठीक है जी। भोजन खाने वेले अपन कदे अपन बोलना नहीं चाहिए, ठीक है जी। अपन अपने ध्यान रखना चाहिए सिर्फ भोजन से, ठीक है जी। भोजन खाने वेले अपन बोलना नहीं चाहिए, ठीक है जी। एक पहला नंबर हो गया भोजन खाने, जो आप भोजन खाने के अपन खड़ के नहीं खाना चाहिए, हमेशा बैठ के खाना चाहिए क्योंकि जब बैठ के खावे तो ही अपन भोजन लगेगा, ठीक है जी। इस तुम दूजा गा, इस तुम अपन भोजन अपन हौली हौली खाना चाहिए, अपन भोजन तेज नहीं खाना चाहिए, तो भोजन जो आप खाने चंकी तरह उसमें चबा चाहिए। ये होगा थोड़ा तीजा पॉइंट, भोजन खाने समय अपन बस यही तीन सके पॉइंट जे भोजन खाने वेले अपन खास ध्यान रखना चाहिए, ठीक है जी। अपन जो भोजन खाने गए अपन भोजन से कंसनट्रेट करना चाहिए, इस ना जो भोजन चंकी तरह पच जाता गा, ठीक है जी। तो यह सी थोड़ा भोजन का भोजन के किड़ियां गल्लां ध्यान रखना चाहिए भोजन खाने वेले आंसर। इस तुम है थोड़ा प्रश्न नंबर 23 कौमी गाण की धुन किहड़ियां दो मौकियां ते वजाई जाती है। इन्होंने दो मौकियां ने दस्सिया है किहड़े मौकियां ते वजाई जाती है, इन्होंने ऐ किया है दो का मतलब है किहड़े जाने कि दो बारे लिखा हुआ किहड़े कौमी गाण का धुन किहड़े मौकियां ते वजाई जाती है, जाने कि कौमी गाण जो कदों गवजाया जाता। कौमी गाण हुंदा जिहड़ा राष्ट्रीय गीत जाने कि जनगण मन, तो यह हुंदा गा अपना 15 अगस्त और 26 जनवरी वेले वजाया जाता, जो कोई होर कोई फंक्शन हुंदा गा उदों किया जाता, जो कोई तुहाडे स्कूल विच वी प्रेयर की जाती है कौमी गाण की, तो यह मौकियां ते जी कौमी गाण गाया जाता, ठीक है। स्टूडेंट्स इस नाल तुहाडा जिहड़ा क्लास सेमी का फिजिकल का पेपर कंप्लीट हो गया, जाने कि शरीर सिक्ख्या का। वीडियो वधिया लगी तो नीचे मोटीवेशन दे लई थैंक्स जरूर लिख देना, जेकर तुसीं थैंक्स लिखोगे तो सानू मोटीवेशन मिलती है, तो तुहाडे नाल आपां इस तरह ही अगे भी वीडियो तुहाडे नाल लियांदे रहांगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अते तुहाडा जिहड़ा नैक्सट पेपर हैगा उसकी तैयारी भी आपां जल्दी करवावांगे, अपने चैनल दे चैनल जरूर सबसक्राइब कर देना, सब तो पहलां तुहानू अपने चैनल दे मिलदे नेगे पेपर, अते वीडियो नू शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों तक क्योंकि सारयां तक इह वीडियो पहुँच जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। सबसक्राइब करने भी तुहाडा ही फायदा, आओ मिलदे तुहानू नैक्सट वीडियो, तद तक लई धन्नवाद।